इंदौर में 70वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आज दूसरा दिन है। सम्मेलन में शामिल होने के लिए पीएम मोदी इंदौर पहुंचे। इस दौरान सीएम शिवराज ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा है कि प्रवासी भारतीय सम्मेलन में पधारे सभी प्रवासी भाई बहनों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज़ादी के अमृत काल में मध्य प्रदेश में अमृत वर्षा हो रही है। इंदौर में एक अद्भुत उत्साह और उमंग का वातावरण है। मुझे तो ऐसा लग रहा है मध्य प्रदेश पे अमृत वर्षा हो रही है और सारी दुनिया से बाहें फैला के आप सब मध्य प्रदेश पधारे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश और इंदौर ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। अपने दिल के दरवाजे भी खोले हैं और अपने घरों के दरवाजे भी खोले हैं। माड़ने मड़े हुए हैं, रंगोली सजी हुई है, विद्युत बल्ब की लड़ियों से इंदौर को सजाया गया है। और इंदौर में झगड़ा इस बात का था कि होटल में क्यों ठहरा रहे हो, हमारे घर ले आओ ना हमारे प्रवासी भारतीय भाई और बहनों को। एक अद्भुत उत्साह का और उमंग का वातावरण है। आप सब ने भी इस कार्यक्रम को अविस्मरणीय बनाने के लिए कल इंदौर में ग्लोबल गार्डन बनाया है और 66 देश के प्रवासी भारतीय बहनों और भाइयों ने इंदौर के भाई और बहनों के साथ पेड़ लगाने का काम किया है।